बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये हैं इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स। पैन में गाजर डाल दें। अब इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम में होने दें। जब गाजर गल जाए तो इसमें दूध शामिल कर दें, छोटी इलायची डाल दें और कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ दें। जब गाजरें दूध में अच्छी तरह गल जाएं तो इनको मिक्स कर लें। अब कवर करके मज़ीद गाजरों को गलने के लिए छोड़ दें और दूध खुश्क होने दें ताकि दूध खुश्क हो जाए और गाजरें अच्छी तरह गल जाएं। अब इसको मज़ीद चेक कर लें। अब इसमें चीनी शामिल कर दें और मिक्स कर लें ताकि चीनी का पानी दूध के साथ खुश्क हो जाए। अब कवर करके मज़ीद खुश्क होने के लिए छोड़ दें। 10-15 मिनट बाद चेक कर लें। अब इसमें घी शामिल कर दें और दूध खुश्क होने के लिए छोड़ दें। कवर करके इसको मज़ीद 10-15 मिनट के लिए पकाएं। अब इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर लें। जब दूध खुश्क होने लगे ड्राई फ्रूट डालकर मिक्स कर लें। अब इसको भून लें। जब तमाम दूध खुश्क हो जाए तो इसको अच्छी तरह भून लें। जब गाजर का हलवा घी छोड़ दे और भुन जाए तो इसको डिश आउट कर लें। इसको खोए और ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। आपका गाजर का हलवा सर्व करने के लिए तैयार है।